किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद बर्फी। कलाकंद बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे जब भी आपका मन करे तभी आप बना करके खा सकते हैं। वैसे तो ये मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन इसे आप घर में थोड़े ही पैसों में बिल्कुल बाजार जैसी कलाकंद बर्फी बना सकते हैं। जब भी कभी कोई फेस्टिवल हो या फिर आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे हो या कुछ अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, तो आप उस मौके पर बना सकते हैं। तो कलाकंद बर्फी बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत होती है ये देखते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 1/2 लीटर टोंट है और 1/2 लीटर फुल क्रीम। आप देख सकते हैं ये टोंट वाला दूध है और ये फुल क्रीम वाला दूध है। इस फुल क्रीम से हम दूध को गाढ़ा करेंगे, फुल क्रीम दूध को, और हाफ टोंट को हम फाड़ करके छेना तैयार करेंगे। इसका 15 से 20 मैंने पिस्ता लिए हैं और पिस्ता को कूट लिया है और आप देख सकते हैं ये पिस्ता का बुरादा है, थोड़ा दरदरा है, एकदम पिसा हुआ नहीं है। 4 से 5 बादाम, बादाम को मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया हुआ है और थोड़ी सी इसको डिजाइन वाली शेप दी है। ये देखिए ये बहुत पतला और थोड़ा सा डिजाइन में कटा हुआ बादाम है। 75 ग्राम चीनी, चीनी हमें कम चाहिए क्योंकि कलाकंद हल्का मीठा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने 75 ग्राम चीनी ली है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कलाकंद ज़्यादा बना रहे हैं, दूध आपका ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग लें। 1 नींबू का रस है, नींबू को निचोड़ करके मैंने रस निकाल लिया है, और जितना ये जूस है उतना ही इसमें पानी मिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कलाकंद बर्फी की रेसिपी। गैस पर पैन को रख देंगे और दूध गर्म कर लेंगे। दो पैन में मैंने दूध डाला हुआ है, एक में फुल क्रीम और एक में टोंट। मैंने गैस पर दूध रख दिया है और दूध गर्म होने लगा है। इसमें इस काले पाले पैन में मैंने फुल क्रीम डाला हुआ है और वाइट पैन में मैंने टोंट वाला दूध डाला हुआ है। फुल क्रीम दूध को हमें गाढ़ा करना है तो इसको चलाते रहेंगे ताकि ये तली में लगे नहीं। बीच बीच में इसी तरीके से चलाते रहेंगे। टोंट वाले दूध को गर्म होने देंगे, उबलने देंगे। और मैंने टोंट का दूध इसलिए लिया है क्योंकि इसमें फैट कम होता है और इसका छेना अच्छा बनता है। अगर मैं फुल क्रीम दूध लेती तो उसमें घी निकलने लगता है छेना के साथ, तो हमें घी वाला छेना नहीं चाहिए, हमें अच्छा छेना चाहिए, तो इसलिए मैंने टोंट वाला दूध लिया है। आपकी मर्जी है, आप फुल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल वाला दूध है, भैंस वाला दूध है, तो आप वो ले सकते हैं। दूध हमारा उबल गया है, गैस ऑफ कर देते हैं। 5 से 6 मिनट तक इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब इसको हम फाड़ेंगे, क्योंकि अभी अभी इसमें नींबू का जूस ऐड कर देंगे तो छेना हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फुल क्रीम दूध को हम चलाते रहेंगे लगातार। पाँच से छः मिनट हो गए हैं तो दूध को चलाएंगे। दूध हमारा पहले से थोड़ा ठंडा हो गया है तो नींबू जूस ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा जूस ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जूस ऐड करके और इसको चलाएंगे।
देख सकते हैं दूध एकदम फट गया है, यानी हमारा छेना बन गया है। अब इसको छान लेते हैं। दूध अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है, सॉरी पानी अलग हो गया है और छेना अलग। तो इसको छान लेंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेंगे मार्किन का और इसको छानेंगे। मैंने कंटेनर ले लिया है, कंटेनर पे कॉटन का कपड़ा लगा लिया है मार्किन का, और अब छेना को छान लेते हैं। अब इसके चारों कोने पकड़ेंगे कपड़े के और इसको निचोड़ेंगे, पानी अलग निकाल देंगे, दबाएंगे हाथों से, सारा पानी निचोड़ करके निकाल देंगे। छेना को मैंने निचोड़ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे जिससे नींबू का खट्टापन निकल जाएगा और छेना भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब इस पानी को निकाल देंगे, थोड़ा सा स्पून से चलाएंगे ताकि खट्टापन निकल जाए और पहले की तरह इसको निचोड़ देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए हमारे छेना में। छेना को मैंने धोकर के अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है और पानी अब नहीं है इसमें, तो इसको कपड़े से बाहर निकाल लेते हैं। बीच बीच में हम अपना दूध भी चलाते रहेंगे ताकि ये तली में लगे ना, क्योंकि अगर ये तली में लग गया तो इससे एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी और आपकी मिठाई का फ्लेवर खराब हो सकता है। छेना को मैंने कपड़े से निकाल लिया है और अब इसको इस तरीके से दबा दबा के एकदम मैश करेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, चिकना कर लेंगे एकदम इसको ताकि ये ज़्यादा दरदरा ना रहे, फटाफटा ना रहे। ये देखिए पहले से थोड़ा चिकना हो गया है, थोड़ा सा और करेंगे इसको हम इस तरीके से इधर नीचे की तरफ से दबाएंगे। दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, 1 से 2 मिनट तक और इसको पकने देंगे, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। छेना भी हमारा चिकना हो गया है, एकदम बढ़िया हो गया है। ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और अब इसमें हम छेना ऐड कर देते हैं। छेना ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे इसको, गैस स्लो कर देंगे और छेना को अच्छे से मिक्स करेंगे। छेना को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और दूध भी हमारा पहले से काफी गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। गैस मीडियम कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। इस मिठाई को बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि देखो टाइम तो लगता है, कोई भी अच्छी चीज बनाने में टाइम जरूर लगता है। दूध और छेना हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं एक रबड़ी जैसा हो गया है ये। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी, चीनी डालते ही थोड़ा पतला हो जाएगा तो थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे। चीनी हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हैं, और इसमें कोई चीनी का दाना नहीं है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है, छेना और दूध। कलाकंद बनने के लिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। मैंने पैन को गैस से नीचे उतार लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी कलाकंद रबड़ी बनकर के तैयार है, यानी कि कलाकंद बनाने के लिए रबड़ी हमारी तैयार है। अब हमें इसमें 2 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोआ भी ऐड कर सकते हैं बाद में, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मैंने इसलिए ऐड किया है। आपकी मर्जी है, आप ना ऐड करें।
अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप पसंद नहीं करते हैं तो आप रहने दें। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और रबड़ी हमारी पहले से गाढ़ी भी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं कलाकंद बनाने के लिए। मैंने ये किनारे वाली प्लेट ली है और इसको ग्रीस कर लिया है देसी घी से। और अब इसको निकाल करके कलाकंद रबड़ी को इसमें डाल देंगे। सारा एक साथ पलट देते हैं उठा करके। कलाकंद रबड़ी को कलाकंद बनाने के लिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है और एक दो बार इसको इस तरीके से झटक देंगे ताकि ये बराबर हो सके पूरी प्लेट में। और अब इसकी गार्निशिंग कर देंगे। जो हमने पिस्ता कूटे थे और बादाम काटे थे उससे इसकी गार्निश करेंगे। अच्छे से गार्निश कर देंगे बढ़िया तरीके से। बादाम भी लगा देंगे। हल्का सा हाथ से इसको इस तरीके से कर देंगे ताकि ये अच्छे से इस पे सेट हो सके। ये देखिए, अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, यानी ऐसे ही रूम में रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ उठा करके 3 से 4 घंटे के लिए और ये सेट हो जाएगा। इसके पीस काटेंगे बाद में हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कलाकंद जम करके तैयार है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। चाकू लेंगे और चाकू से बर्फी जैसे पीस कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी कलाकंद बन करके तैयार हुआ है। हमारी कलाकंद बन करके तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे कलाकंद बनी है, जैसे कि बननी चाहिए। देखिए इधर से दानेदार है और इधर मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, इसकी गार्निश की हुई है। तो कितनी अच्छी लग रही है हमारी कलाकंद आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बर्फी जैसे पीस कट किए हैं। आपकी मर्जी है, आप लंबे भी कट कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है आप उस तरीके से कट करें। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम सामान के साथ बन जाती है। जब भी कभी आपके घर में कोई खुशी का मौका हो या फिर आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। और अपना एक्सपीरियंस रेनु शर्मा किचन पर कमेंट के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है इस रेसिपी को लेकर तो आप रेनु शर्मा किचन पर कमेंट के साथ मेरे से शेयर कर सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कोई भी रेसिपी के क्वेश्चन मेरे से करते हैं और मैं उसका आंसर देती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस रेनू शर्मा किचन पर कमेंट के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।